के आदरणीय अध्यक्ष जी और मंच पर बैठे हुए बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री केदारनाथ पांडे जी, यहाँ के स्थानीय विधायक श्री हरिशंकर यादव जी, इस विद्यालय के निदेशक हमारे मित्र हारून भाई, हमारे मित्र अधिवक्ता जी, आदरणीय प्राचार्यगण, मेरे साथियों, मित्रों, छात्र छात्राओं, देवियों, सज्जनों, मीडिया कर्मियों, 3 दिन से यही काम हो रहा है। बरौली में परसों में था, हमारे मित्र हैं फैज साहब, वे भी ब्राइट कैरियर पब्लिक स्कूल चलाते हैं, उसका वार्षिकोत्सव था और कल भी सलेमगढ़ में एक विद्यालय का उद्घाटन था और आज अपने मित्र के विद्यालय के उद्घाटन समारोह में आया हूं। और ऐसे अवसरों पर आने पर अपने मित्रों, साथियों और एक साथ जो यात्रा, जीवन की यात्रा करने वाले लोग हैं, उनको देखता हूं, समझता हूं। ये हमारे सामने जो बैठी हुई जमात है, ये तमाम हमारे परिचित लोग हैं। निदेशक ने कुछ नाम लिया अपने संबोधन में, उन्होंने नाम लिया कि यह धरती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है, मधुरहक साहब की है, ब्रजशोर बाबू की है, जयप्रकाश बाबू की है, भिखारी ठाकुर की है, महेंद्र मिश्र की है और महापंडित राहुल सांकृत्यायन की है। जितना नाम मैंने लिया, और मैंने नहीं लिया, निदेशक ने लिया और मैं भी ले रहा हूं, ये तमाम नाम सारण प्रमंडल से जुड़े हुए हैं, सिवान इस मिट्टी से जुड़े हुए हैं। इन लोगों ने दुनिया कैसे खूबसूरत और सुंदर होगी, कैसी शिक्षा होनी चाहिए, कैसा इंसान होना चाहिए, कैसा समाज होना चाहिए, इन चीजों पर पूरा जीवन इन्होंने काम किया। आप जानते हैं, मजरूहक साहब ने कहा कि हिंदू मुस्लिम दोनों एक ही नाव के मुसाफिर हैं, उतरेंगे साथ और क्या है, डूबेंगे साथ, उतरेंगे साथ। ये किसने कहा? मजरूहक साहब ने। राजेंद्र बाबू की जब आप कथा को आप पढ़ेंगे, उसमें भी पूरी आत्मकथा को अगर प्रेम से आप पढ़ जाएं, तो बड़ी सहज और सपाट भाषा में राजेंद्र बाबू ने लिखा है अपनी आत्मकथा। उस आत्मकथा को मैंने जो समझा है, एकदम राजेंद्र बाबू सिवान के देशज आदमी थे, गांव के आदमी थे, जैसे हमारे स्थानीय विधायक बोल रहे थे, यही लहजा है, यही कहने का टोन है, तेवर। उन्होंने सामाजिक सद्भाव, सांप्रदायिक सद्भाव, करुणा, प्रेम और शिक्षा के संबंध में, दुनिया की आजादी के संबंध में कहा है। बड़े दुख के साथ मैं आज कहना चाहता हूं कि न जाने जब हमें ज्यादा आधुनिक हो रहे हैं, ज्यादा वैज्ञानिक हो रहे हैं, परंतु हम काम कर रहे हैं 5वीं शताब्दी का। जो चिंता यहां के स्थानीय विधायक की है, चाहता यह मैं हूं कि ऐसे विद्यालयों के जो शिक्षक हैं, वे अपने छात्रों को का निर्माण कैसे करें, यह पुनर्विचार का प्रश्न है। डॉक्टर बनाना जरूरी है,
इंजीनियर बनाना जरूरी है, आईएएस बनाना जरूरी है कि राजेंद्र बाबू बनाना जरूरी है, मजरोहक साहब बनाना जरूरी है, गांधी बनाना जरूरी है, चंद्रशेखर बनाना जरूरी है, भगत सिंह बनाना जरूरी है। राजेंद्र बाबू पढ़ने में बहुत तेज थे और जब चंपारण के किसानों के दुख को सुना तो 10,000 रुपये उस समय मिलते थे, उस समय 10,000 रुपये की बड़ी कीमत थी। सबसे ज्यादा महंगे वकील थे, उन्होंने वकालत छोड़ दी और चंपारण में जाकर गांधी की किरानेगिरी करने लगे। यही तो पढ़ाना है, अगर आपने यह नहीं पढ़ाया तो इस हिंदुस्तान के साथ, इस समाज के साथ आप न्याय नहीं करेंगे, ये मेरी दृढ़ मान्यता। उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, काम करना शुरू किया चंपारण में और उन्होंने कहा अपनी आत्मकथा में कि जब मैं चंपारण में काम कर रहा था गांधी के साथ, जब जीरा देवी घर पर रहता था तो कच्चा भोजन और पक्का भोजन की बात थी और सबके हाथ का भोजन मैं नहीं करता था, परंतु जब चंपारण गया तो कच्चा और पक्का भोजन मैं भूल गया और जो सार्वजनिक रूप से भोजन बनता था मैं करने लगा। हमारे मन में जो जाति दुराग्रह था वो मिट गया। तो संघर्ष आदमी को जाति से, संप्रदाय से, इन चीजों से मुक्त करता है और एक सही इंसान बनाता है। हमें जो विद्यालय में काम करने वाले लोग हैं और राजनीति में जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें इन बातों का ख्याल रखना होगा। गांधी ने अपने बेटा मणिवाल को पत्र लिखा था, इसका उल्लेख मैंने अपने बजट भाषण में भी किया था। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से अपने बेटे मणिमाल को पत्र लिखा कि बेटा मैं जेल में हूं, मैं समझता हूं कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं चलती होगी, अक्षर ज्ञान और किताबी ज्ञान हो सकता है कि तुम्हें विधिवत न मिलता हो, परंतु मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि आश्रम की सारी जिम्मेदारी तुमने अपने कंधों पर ले ली है, यह गांधी स्वीकार करता है कि जब बच्चे जिम्मेदारी को संभालने लगे यही उनकी सबसे सही शिक्षा है और यही पढ़ाना है। इस उद्घाटन अवसर पर मैं गांधी और महिमाओं का उल्लेख करके ये कहना चाहता हूं कि ये विद्यालय केवल डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आईएएस ही नहीं पैदा करें बल्कि देश और दुनिया की जिम्मेदारी संभालने वाले बच्चों को पैदा करें, ये मेरी आज अपील है इस विद्यालय से। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारे सरकारी विद्यालय जो काम हम लोग बोरा और चट्टी पर पढ़े थे, आदरणीय पांडे जी भी उसी पर पढ़े होंगे और इसमें हमारे बैठे हुए तमाम मित्र भी उसी तरह पढ़े हुए, परंतु बोरा और चट्टी पर पढ़ने वाले बच्चे जिस मिजाज के होते थे, जिस योग्यता के होते थे, जिस बनावट के होते थे, उनके दिल में जो करुणा होती थी, सार्वजनिक हित के लिए लड़ने की जो क्षमता होती थी, आज के जो विद्यालय हैं ये काम करने में कहीं पीछे रह गए। इस काम को करना है और ये जितने भी निजी विद्यालय हैं खुल रहे हैं,
इनके सामने भी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है देश की। जब हमारे सरकारी विद्यालय अपने कार्य को करने में सक्षम नहीं है, हम निजी रूप से सिद्धांत रूप में स्वीकार करते हैं सरकारी विद्यालयों का मैं समर्थक हूं, परंतु अगर हमारे सरकारी विद्यालय इस काम को नहीं करते हैं और इन निजी विद्यालयों ने अगर यह इस काम करने में सफलता प्राप्त कर ली, इन गांव के लड़के को भी पढ़ा दिया, 80% जनता गांव में रहती है, ऐसे ही जगहों पर रहती है, अगर इन निजी विद्यालयों ने अपने धर्म का पालन किया, शिक्षा देने में सक्षम हो गए, तो एक देश का एक बहुत बड़ा काम होगा और इसके लिए देश के निजी विद्यालय याद किए जाएंगे। और यह काम निजी कुछ निजी विद्यालय कर भी रहे हैं और वहां से पढ़ने वाले लड़के देश और दुनिया में ज्यादा उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। मैं उनका नाम अभी नहीं रखना चाहता हूं। अगली बात मैं यह कहना चाहता हूं यहां बैठे हुए बुजुर्गों से, अभी जो देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, इनके एक बड़े प्रशंसक वेद प्रताप वैदिक एक बड़े पत्रकार हैं। प्रधानमंत्री बनाने में भी उनकी बड़ी भूमिका है अखबार के माध्यम से। उन्होंने इधर लिखा है, अब थोड़ा सा प्रधानमंत्री से वे हट रहे हैं, और उन्होंने लिखा है जनसत्ता अखबार में उनका लेख निकला है, मैं आपसे अपील करूंगा कि उस अखबार को पढ़ें। उन्होंने लिखा है कि माननीय देश के प्रधानमंत्री जिनका मैं प्रबल समर्थक था और रहूंगा भी, परंतु मुझसे भिन्नता है कुछ बिंदुओं पर उनसे। अगर किसी देश को, किसी परिवार को, किसी समाज को मजबूत बनाना है, ताकतवर बनाना है, तो वहां शिक्षा की क्रांति होनी चाहिए, ज्ञान की क्रांति होनी चाहिए। देश में ज्ञान की क्रांति नहीं हो रही है, यह अभियान नहीं चल रहा है, ये वेद प्रताप वैदिक का कहना। दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया है कि जो अमेरिका को आज शक्तिशाली आप देख रहे हैं, वह अपने हथियारों से शक्तिशाली नहीं बना है, वह अपने ज्ञान की क्रांति के कारण शक्तिशाली बना है। इसलिए अगर हिंदुस्तान को मजबूत बनाना है तो ज्ञान की क्रांति होनी चाहिए, शिक्षा की क्रांति होनी चाहिए। ये वेद प्रताप वैदिक का एक विचार मैंने आपके सामने रखा और मैं भी इससे 100% सहमत हूं। इन बातों के साथ मैं आप तमाम लोगों को, हमारी बातों को आपने सुना, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और इस विद्यालय के प्रबंधन ने और प्रबंधकों ने हमें बुलाया, यह अवसर दिया। जो संचालक महोदय हैं और मिश्रा जी हैं और इसके जो सचिव हैं, इस्लामिया कॉलेज के सचिव के रूप में ही मैं जानता था, इस विद्यालय वाला रिश्ता बाद में जाना और गनी साहब वाला रिश्ता ज्यादा जानता। ये तीनों व्यक्ति गए थे, मेरा सौभाग्य मैं मानता हूं इतने लोगों से संवाद कराने का अवसर इन लोगों ने दिया। इन शब्दों के साथ इस विद्यालय, जिस विद्यालय के उद्घाटन में हम तमाम लोग शामिल रहे, इसके उज्जवल और सफल भविष्य की मैं कामना करता हूं। इसके निर्माण में और इसके विकास में जहां हमारी जरूरत होगी ये याद करेंगे, मैं इनसे संवाद करूंगा, जो हमसे बनेगा सब करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को मैं प्रणाम करता हूं।